डेयरी व्यवसाय ग्रामीण जीवन का अभिन्न अंग है। वैज्ञानिकों द्वारा विकसित की गई नई तकनीकों और पशुपालकों के श्रम से आज भारत में दूध उत्पादन 9 करोड़ टन से भी अधिक हो गया है। हम दूध उत्पादन में विश्व में पहले पायदान पर हैं और इसमें हमारी देसी नस्लों के अलावा संकर नस्लों का भी महत्वपूर्ण योगदान है। डेयरी प्लांट वास्तव में एक लाजवाब प्रौद्योगिकी का नमूना है। जिसमें दूध को मशीनों द्वारा उपचारित किया जाता है। और दूध के विभिन्न उत्पाद बनाए जाते हैं। आइए डेयरी प्लांट की विभिन्न प्रक्रियाओं को विस्तार से जानें। सबसे पहले पशु बाड़े से दूध को कैन में डाला जाता है। दूध निकालने के बाद दूध को जल्द से जल्द डेयरी प्लांट तक पहुंचा दिया जाता है, जिससे दूध की गुणवत्ता अच्छी बनी रहे। डेयरी प्लांट में ये दूध से भरे कैन सावधानी पूर्वक उतारे जाते हैं। इस दूध को प्लांट के अंदरूनी अनुभाग में आगे की प्रक्रिया के लिए भेज दिया जाता है। प्लांट के अंदर सबसे पहले दूध का सैंपल यानी नमूना लिया जाता है। दूध के इस नमूने का प्रयोगशाला में परीक्षण किया जाता है। ये एक बहुत ही आवश्यक चरण है, क्योंकि इससे दूध की गुणवत्ता का पता लगता है। अगर नमूना सही पाया जाता है, तभी दूध को आगे की प्रक्रियाओं के लिए भेजा जाता है। प्रयोगशाला में दूध में मौजूद विभिन्न घटकों जैसे फैट यानी वसा, SNF यानी ठोस पदार्थ आदि का परीक्षण किया जाता है। प्रयोगशाला में दूध में की गई मिलावट की भी जांच की जाती है। दूध में वसा एक महत्वपूर्ण घटक है। भैंस के दूध का मूल्य वसा का प्रतिशत माप कर ही तय किया जाता है। इसके अतिरिक्त अन्य जांच करके सही दूध को प्लांट के अंदर प्रसंस्करण के लिए भेज दिया जाता है। क्रीम, मक्खन तथा घी वसा बहुल दुग्ध पदार्थ हैं। बाजार में विभिन्न वसा स्तर वाली क्रीम उपलब्ध होती है, जिसको मक्खन तथा घी बनाने में उपयोग किया जाता है। इसके अलावा बाजार में अन्य उपयोगों के लिए प्लास्टिक क्रीम, जीवाणु रहित क्रीम, जमाई हुई यानी फ्रोजन क्रीम तथा व्हिपिंग क्रीम भी उपलब्ध होती है। डेयरी संयंत्रों में सामान्यतः दो प्रकार का मक्खन, क्रीमरी बटर और टेबल बटर बनाया जाता है। टेबल बटर का उपयोग हम घरों में नाश्ते के समय ब्रेड या पराठों इत्यादि के साथ करते हैं। दूसरी तरफ क्रीमरी बटर, जो कि बिना नमक वाला होता है, उसका इस्तेमाल ज्यादातर घी बनाने के लिए किया जाता है। घी एक इस प्रकार का दुग्ध उत्पाद है, जिसको हम भारतीयों के प्रत्येक समारोह तथा पूजा के अवसर पर इस्तेमाल किया जाता है। इसका उपयोग खाने में एक पोषक उत्पाद के अलावा आयुर्वेदिक दवाइयों तथा पूजा की सामग्री के रूप में भी किया जाता है। दूध से घी बनाने की कई विधियां हैं। इसको दूध में जामन लगाकर, दही बनाकर, उससे देसी मक्खन द्वारा, क्रीम से या क्रीमरी मक्खन से बनाया जा सकता है। हर प्रकार के घी की अपनी विशेषताएं हैं। घी को गाय व भैंस दोनों के दूध से बनाया जा सकता है, परंतु भैंस का दूध
इसमें अधिक वसा होने के कारण घी बनाने के लिए अधिक उपयुक्त माना जाता है। आइसक्रीम एक हिमाकित दुग्ध उत्पाद है जिसको सभी वर्गों के लोग विशेषकर बच्चे बहुत पसंद करते हैं। गर्मियों में तो इसकी मांग इतनी अधिक बढ़ जाती है कि इसकी आपूर्ति करना कठिन हो जाता है। इसमें दूध की वसा, वसा रहित अन्य ठोस, चीनी तथा स्थायी कारक व इमल्सी कारक सुगंध तथा रंग मिलाया जाता है। फिर इस मिश्रण को सुगंध को छोड़कर पाश्चरीकृत तथा ठंडा करके इसको हिमीकरण तथा विपिंग के लिए आइसक्रीम हिमाकृत में भरकर इससे आइसक्रीम बनाई जाती है। आइसक्रीम को अर्ध ठोस अवस्था में कपों में भरकर या उसकी ब्रिक्स बनाकर कठोरीकरण के लिए -30 डिग्री सेल्सियस पर रखा जाता है और इसके बाद इसको -10 से -11 डिग्री सेल्सियस पर भंडारित किया जाता है। संघनित दूध एक ऐसा दुग्ध उत्पाद है जिसको दूध से जल को वाष्पित करके तथा उसमें चीनी डालकर बनाया जाता है। संघनित दूध में 31% दुग्ध ठोस, जिसमें से 9% वसा तथा 22% वसा रहित अन्य ठोस होते हैं और 40-43% चीनी की मौजूदगी के कारण संघनित दूध को काफी लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। वाष्पित दूध भी एक ऐसा दुग्ध उत्पाद है जिसको दूध से जल को वाष्पित करके बनाया जाता है। अंतर केवल इतना है कि इसका आरक्षण चीनी डालने के बजाय साद्रित दूध को जीवाणु रहित करके किया जाता है। वाष्पित दूध को चाय, कॉफी, मिठाइयां बनाने तथा अन्य उन कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जहां तरल दूध का उपयोग होता है। दुग्ध पाउडर यानी मिल्क पाउडर दूध से लगभग संपूर्ण नमी या जल को वाष्पित करके बनाया जाने वाला उत्पाद है। इसमें नमी 2-3% तक ही होती है। दुग्ध चूर्ण सामान्यतः दो विधियों, ड्रम तथा स्प्रे विधि द्वारा बनाया जाता है और इन्हीं के नाम पर इसको रोलर या स्प्रे दुग्ध पाउडर के नाम से जाना जाता है। दुग्ध पाउडर, स्प्रेटा दूध, संपूर्ण वसा युक्त दूध तथा दूध से वसा के एक भाग को निकालकर बनाया जाता है। अभी बताए गए सभी दुग्ध उत्पादों के अलावा एक डेयरी संयंत्र में खोया तथा छेना की मिठाइयां जैसे गुलाब जामुन, पेड़ा, बर्फी, कलाकंद, रसगुल्ला आदि भी बनाए जाते हैं। दूध से बने इन सभी उत्पादों को विपणन के लिए या तो स्वयं के बिक्री केंद्र पर भेज दिया जाता है या फिर एजेंटों द्वारा बाजार में बेच दिया जाता है। डेयरी संयंत्र में तरल दूध की आपूर्ति तथा विभिन्न डेयरी उत्पादों को बनाने में अपनाई जाने वाली विभिन्न प्रक्रियाओं के साथ ही संयंत्र तथा उपकरणों की सफाई तथा निर्जीमीकरण भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दूध एवं दुग्धोत्पाद सूक्ष्म जीव वृद्धि का एक उत्तम माध्यम है। अगर संयंत्र और उसमें विद्यमान सभी उपकरणों की साफ सफाई तथा निर्जीमीकरण ठीक प्रकार से नहीं किया गया तो दूध तथा दुग्धोत्पादों की गुणवत्ता अच्छी नहीं रहेगी। संयंत्र तथा उपकरणों की सफाई के लिए जल एक सबसे सस्ता तथा प्रभावकारी साधन है। गर्म पानी और भाप और भी प्रभावकारी होते हैं। सर्वप्रथम उपकरणों को ठंडे जल, फिर गर्म जल, इसके उपरांत प्रक्षालकों तथा अंत में निर्जीमीकरण द्वारा उपचारित किया जाता है।